और अब एक ऐसी खबर जिसका फायदा एक साथ 6.5 करोड़ लोगों को होगा। ईपीएस 95 के जो लोग हैं सर, उनको 700 रुपया भी आज नहीं मिलता, उनका हक का पैसा है सर, फिर वो कहाँ गया? सरकार के पास ही तो पड़ा था, विश्वास के नाते उन्होंने ईपीएस 95 लोगों ने दिया था, उसका क्या हुआ सर? और इसके साथ ही वो जो बड़ी खबर जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं कि इस बैठक में आखिर कौन से विशेष मसौदे पर मुहर लगी, वो साफ हो सकती है अब से थोड़ी देर के अंदर, ये जिस पर अब कैबिनेट की मुहर लगी है इस मीटिंग के अंदर, ये कैबिनेट की बैठक जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था कि इसका एजेंडा क्या है, किन खास विषयों पर आज चर्चा होनी थी। लेकिन आज सुबह प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णयों वाला छोटा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पर 65 लाख पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर, होली से पहले पेंशन मिलेगी क्या आपको, बढ़ करके ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बड़ी खबर देखने को मिलेगी। कोर्ट का पहली आदेश जारी हुआ, नया पेंशन और नया नियम आपकी पेंशन में अब लागू होने वाला है। तो क्या होगा नया नियम और क्या नया पेंशन होगा, जिसके अनुसार कितनी आपको मिनिमम पेंशन मिलेगी, क्या है फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली आदेश जारी किया है, इस अपडेट की भी सच्चाई जानेंगे। साथ ही जो पेंशन को लेकर नए नियम को लेकर जानकारी बताई जा रही है उसको भी जानेंगे। साथ ही अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा, जानकारी आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार और भी खबर देखने को मिली कि सुप्रीम कोर्ट के फाइनली फैसले आपकी पेंशन को लेकर हो चुके, तो क्या आधिकारिक रूप से सरकार ने कोई ऐसा ऐलान किया है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है, तो इसकी भी सच्चाई जानेगी, आखिर क्या सच्चाई होने वाली पेंशन से जुड़ी। तो आप पेंशन ऐसा है वो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, आपको इसके बारे में कंप्लीट विस्तार से जानकारी मिलेगी कि आखिर क्या पेंशन को लेकर फैसला होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, और अगर आप इसी चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है ताकि आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी इस तरह की रोजाना ताजा अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो ईपीएस 95 जो पेंशन धारक है उनके लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट मिली है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर जो 1000 रुपए में कट रही है बुजुर्ग जो पेंशन धारक है उनकी जिद की, और सरकार गरीब मानने को तैयार नहीं। जो पेंशन धारक है वर्तमान में 2014 के बाद जो पेंशन उसको 1000 रुपए की पेंशन मिनिमम मिल रही है जिससे वो अपना जीवन यापन कर रहे, तो सरकार पेंशनर्स को गरीब मानने को तैयार नहीं, इस तरह की अपडेट मिली है। इसकी क्या है आखिरी पेंशनर्स के लिए जानकारी वो भी जानेंगे। और साथ ही अगली बड़ी अपडेट मिली कि जो आचार संहिता लागू होते ही जो ईपीएस 95 बुजुर्ग पेंशन धारक है उनकी पेंशन की बढ़ोतरी की सारी उम्मीदें खत्म। पीएम मोदी बीजेपी ईपीएफओ पर अनेक सवालों की बारिश, पेंशनर्स के द्वारा क्या सवाल किए गए हैं पेंशन को लेकर उसके बारे में बात करेंगे। तो ईपीएस पेंशन से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर देखने को मिली है। तो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर एक पेंशनर्स के मन की बात पढ़िए, जिसमें कि 1000 रुपए की जो पेंशनर्स को जो पेंशन मिलती है वर्तमान में 2014 के बाद, क्या उन 1000 रुपए की पेंशन की राशि से उनकी जिंदगी कट रही है? 7500 रुपए पेंशन करने को लेकर मांग लगातार पेंशनर्स के द्वारा की जा रही है। सरकार और ईपीएफओ की रात की घेराबंदी हो रही है, इनकी सरकार और ईपीएफओ की जो घेराबंदी हो रही है, लेकिन पेंशन भोगियों को इससे कोई इनकी राहत अभी तक मिलती नहीं दिख रही है। जो पेंशन धारकों को जो उम्मीदें थी कि सरकार पेंशन में बढ़ोतरी करेगी आचार संहिता लागू होने से पहले, लेकिन सरकार से फिलहाल इसको लेकर कोई भी घोषणा अभी तक नहीं हुई है कि आपकी पेंशन में बदलाव किए जाएंगे, लेकिन पेंशनर्स को पूरी उम्मीदें थी कि सरकार लोकसभा चुनाव का जो आचार संहिता लागू होगा उससे पहले पहले इनकी पेंशन में बदलाव करेगी। तो क्या सरकार अब पेंशन धारकों की मांग को नजरअंदाज करेगी या फिर पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी होगी, तो इसके लेकर कोई भी इस तरह की जो जानकारी तक नहीं मिली है कि आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की खबर मिली कि पेंशन धारक है उनका क्या, यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी नहीं करने को लेकर क्या यानी कि सवाल जवाब होने वाले, तो न्यूनतम पेंशन पर आज कुछ शायद ही सकारात्मक विचार सुनने को मिल जाए। वैसे तो देखा जाए तो संभावना में तो हम अभी भी आशा और निराशा में झूल रहे हैं, तो वैसे में पेंशनधारकों का कहना है कि जो पेंशन को लेकर जो आशाएं थी उनको लेकर अब निराशाएं भी मिली है, लेकिन पेंशनधारक फिर भी आशा से यानी कि झूल रहे हैं, उनको आशा है कि सरकार पेंशन में फिर भी बढ़ोतरी करेगी। पेंशनर्स की कोशिशों में तो कोई कमी नहीं दिखाई देती है और सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगी कि सरकार पेंशन में बढ़ोतरी करेगी या फिर नहीं। गरीबों की सरकार है तो पता नहीं सरकार ईपीएस 95 के उन बुजुर्ग जो लोग हैं पेंशनर्स हैं उनको कब गरीब मानने को तैयार होगी, जिन्हें दो यानी कि बुजुर्ग पेंशनधारक पति पत्नी को जैसे कि उनका जीवन यापन के लिए मज जो 1000 रुपए की पेंशन मिलती है वर्तमान में 1000 रुपए से लेकर के 2500 रुपए तक की वो पर्याप्त समझ बैठी है सरकार और उसमें बढ़ोतरी नहीं करती है, तो वैसे में उससे यानी कि बेहतर वो योजना है जिन्हें बिना किसी योगदान के जो बुजुर्ग पेंशन धारक लोग हैं उनको 1000 रुपए तो कहीं 3000 रुपए देकर के यानी कि दरियादिली दिखाई दी गई है। तो पेंशनधारक इस तरह की यानी कि सरकार से मांग कर रहे हैं, तो पेंशनर्स के सच्चे अधिकारी तो देश में हमारी जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने यानी कि बिन मांगे मोती मिले और हम मांगे तो न भीख
तो कितनी किसी को यानी कि कितना किसी को कोसेंगे, कितना किसी को यानी कि बदुआएं देंगे। तो कलयुग में न तो दुआ का असर दिखाई देता है न बदुआ का यानी कि बदुआ का असर दिखाई दे रहा है, और कुछ बचा रह जाता है तो सिर्फ इतना है कि वो सब किस्मत का खेल है। पेंशन अब अधिकार की बात नहीं, किस्मत की बात बन चुकी है, क्या आगे भी कहा जाए। तो फिलहाल पेंशन धारक उनकी मांगों को लेकर अलग अलग यानी कि पेंशनर्स का मानना है, जो इस तरह की यानी कि पेंशनर्स की जो पेंशन को लेकर सवाल जवाब होने वाले कि सरकार ने पेंशनर्स को उम्मीद दी थी कि सरकार पेंशन जो आपकी 7,500 रुपए को लेकर आचार संहिता लागू होने से पहले बढ़ोतरी करेगी, लेकिन अभी पेंशन धारक उनकी आशा अभी भी बनी हुई कि सरकार फिर भी पेंशन धारकों को आशा है कि पेंशन में बढ़ोतरी करे। तो फिलहाल ये मामला पेंशन से जुड़ा इस तरह का जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिला है। तो क्या आप सभी की होली से पहले पेंशन में बढ़ोतरी होगी, तो ऐसी कोई घोषणा अभी तक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी बताई है, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि होली से पहले आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, 7,500 रुपए होगी या फिर 9,000 रुपए या फिर 8,500 रुपए, इस तरह की कोई भी सरकार से घोषणा नहीं हुई है। आचार संहिता लागू होते ही ईपीएस 95 जो बुजुर्ग पेंशन धारक है उनकी सारी उम्मीद एक बार फिर से खत्म। पीएम मोदी और बीजेपी और ईपीएफ पर सवालों की बारिश पेंशनर्स ने किया कि पेंशन को लेकर क्या सरकार फैसला करेगी, और पेंशनर्स ने मायूसी जाहिर करते हुए लिखा है कि अब मोदी सरकार की गारंटी खत्म, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले पेंशनर्स की पेंशन में बदलाव करेगी। तो फिलहाल पेंशन को लेकर पेंशनर्स को आश्वासन 90 दिनों का दिया गया था, तो क्या सरकार उस 90 दिनों के अब भीतर ही पेंशन में बदलाव करेगी, तो ये फिलहाल देखने का विषय होगा। इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है, 7 चरणों में 19 अप्रैल से चुनाव है, तो 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो आचार संहिता लगते ही पेंशनर्स को बड़ा झटका लगा है। आचार संहिता लगने से पहले पेंशनर्स को उम्मीद थी कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए की जो मिलती है उसे बढ़ाकर के 7,500 रुपए कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका। इसको लेकर सोशल मीडिया पर पेंशनर्स जो यानी कि अनेक तरह से पेंशनधारक सरकार से यानी कि जो कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं कि सरकार पेंशन में आखिरी बढ़ोतरी नहीं की, इस तरह के जो यानी कि पेंशनर्स के अपने खुद के भाव होने वाले सवालों की बारिश हो रही है। पेंशनर्स को लेकर जो उम्मीदें थी पेंशनर्स को कि पेंशनधारक है उनकी पेंशन को सरकार पूरा करेगी, मांगे जैसा कि 7,500 रुपए मेडिकल की सुविधा, हायर पेंशन को लेकर, लेकिन इसको लेकर कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की बहुत सारी खबरें भी देखने को मिल रही है कि पेंशन धारकों को पेंशन है जो 7,500 रुपए की मिलेगी, 8,500 रुपए की मिलेगी, तो इसको लेकर अभी तक कोई भी घोषणा नहीं है। कमांडर अशोक रावत के समर्थन में पेंशनर्स ये बोले कि इसी तरह अन्य पेंशनर्स ने लिखा है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिंदाबाद। कमांडर अशोक जी रावत आगे बढ़ते हैं, हम सब यानी कि 78 लाख जो वर्तमान ईपीएस 95 पेंशन धारक है और 4 करोड़ उसका परिवार जो पेंशनर्स है उसके परिवार को मिला करके संख्या हो जाती है, तो मोदी सरकार की इस गारंटी का क्या करना है, ये भी अपने हाथ में है। और डरो मत पेंशनर्स, सरकार का यानी कि जो पैसा हमने जमा किया है हमारा पैसा है, सरकार का नहीं है। तो सोशल मीडिया पर इस तरह के यानी कि पेंशनधारक है जो अपने तरफ से यानी कि जो कहां जा रहा है एक जो ठोकर के मोदी सरकार के खिलाफ सिर्फ वोटिंग ही नहीं तो उनके खिलाफ पूरे देश में प्रचार भी करेंगे, इस तरह के पेंशनर्स का जो यानी कि द्वारा यानी कि जो सवाल जवाब होने वाले हैं। तो फिलहाल घोषणा का है तो सरकार ने पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की बहुत सारी आपको रोजाना खबरें देखने को मिली है कि ईपीएस 95 पेंशन अभी भी 20 करोड़ सदस्य कामगार है, और ईपीएस 95 पेंशन के तहत अभी भी 20 करोड़ जो सदस्य लोग हैं पेंशनर्स वो कामगार है, उसको भी उनको भी यानी कि इस संघर्ष में उतरो और उनका भी सुझाव अपनी असलियत और हालत वो भी जरूर साथ देंगे, फिर भी देखा क्या परिणाम होता है, सबको दिखाई देगा हमारी ताकत है। इस तरह का पेंशनधारक है जो यानी कि पेंशन को लेकर सरकार से उम्मीदें हैं उसको लेकर जो संघर्ष को लेकर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो आचार संहिता लागू हो चुकी है। फिलहाल पेंशनर्स की मांगे जो कि लंबित है, पेंशनधारकों को आश्वासन मिला था कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन इसको लेकर कोई घोषणा अभी तक सरकार से फिलहाल अधिकारी कर नहीं की गई है। तो इस तरह की ईपीएस पेंशन को लेकर आज दिनभर की आप सभी पेंशनर्स के लिए अपडेट होने वाली हैं। अगर आप भी इस तरह की रोजाना ताजा अपडेट पेंशन जुड़ी पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है ताकि आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी इस तरह की छोटी बड़ी लेटेस्ट खबर रोजाना आपको देखने को मिलेगी। तो एक और ऐसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय।